दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। आईपीएल 2021 के 14वें सीजन का 26वां मुकाबला आज किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल के बीच होगा। मुकाबला काफ़ी ही ज़्यादा रोमांचक होगा, तो इस वीडियो में जानेंगे दोनों ही टीम की प्लेइंग इलेवन और साथ ही साथ आपको बताएंगे किस टीम का बल्ला बाहरी है, किस टीम के जीतने के चांसेस अधिक हैं। तो इस वीडियो में आपको आगे फुल डिटेल के साथ बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आईपीएल 2021 में अपने अभ्यास पलटने के लिए राजस्थान रॉयल ने आरसीबी के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले मैच में अपना प्रदर्शन करना चाहा है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। वहीं पंजाब किंग्स के लिए आरसीबी की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जिसकी टीम के हर विकास में अच्छा प्रदर्शन कर रहे पंजाब की टीम 4 हार और 2 जीत से 4 अंक लेकर अंक तालिका में 6ठे स्थान पर हैं, जबकि आरसीबी ने 5 मैच जीते हैं तो वही 10 अंक के स्थान पर है। चेन्नई सुपर किंग ने सीएसके के केवल रन गति के आधार पर ही पीछे दूसरे नंबर पर किया है। वही सीएसके के हाथों एकमात्र हार को छोड़ दिया है। वही आरसीबी अपने पहले आईपीएल खिताब का मजबूत दावेदार बना हुआ है, तो टूर्नामेंट आगे बढ़ाने के साथ उसके अधिकार खिलाड़ियों का फॉर्म हासिल कर रहे पंजाब को अब तक उसके बल्लेबाजों के लिए खराब प्रदर्शन कर उसार पहुंचाना है। वही अपने 6 मैचों में केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम में 3 मैच में से पहले बल्लेबाजी करते हुए 106 रन और 123 का कम स्कोर बनाया है, जबकि राहुल ने अब तक अपनी टीम की तरफ से बल्लेबाजी का जिस्म संभालना और उसकी टीम को फिर से अच्छी शुरुआत की उम्मीद रहेगी। वही मैक अग्रवाल अच्छी शुरुआत का फ़ायदा नहीं उठा पाए, जबकि क्रिस गेल 6 मैचों में केवल 2 मैच ही चल पाए थे, जबकि नुकोरस पूरन रन बनाने के लिए जूझ रहे वह 5 मैचों में केवल 28 रन बना पाए थे, जबकि 3 पारियों में वह खातन्स के गेंदबाजी में कुछ खास नहीं है। उसकी गेंदबाजी भी हालांकि आकर्षक है आवाज़ को दिखाती हुई दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 195 रन का बचाव करते हुए, जबकि राजस्थान रॉयल के खिलाफ 221 रन बनाकर बचाव किया था। जबकि दूसरी तरफ आरसीबी लगातार अच्छे प्रदर्शन तथा दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 1 रन से जीत के बाद आत्मविश्वास